गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे साउंड वेव का, और साउंड वेव में हम पढ़ चुके थे किसके बारे में। साउंड वेव में हम लोग पढ़ चुके थे अबाउट द अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज क्या होता है, किसकी जगह पर उसका यूज किया जाता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो साउंड वेव में, उसका नाम है इको। साउंड वेव में नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इको। यदि अब हम किस पर बात करते हैं, इको पर बात करते हैं, तो इको बेसिकली होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम एनी मटेरियल तो यदि हमने देखा हो रियल लाइफ में कि हम कभी कभी कोई कोई ऊंची जगह पर जाते हैं, सपोज करो जैसे किसी हिल पर जाते हैं, और हिल पर यदि हम क्लैप करते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो हमें वापस आवाज़ क्या होता है? सुनाई देता है। वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि साउंड क्या हो रहा होता है उस प्लेस पर? रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो उसे ही हम क्या नाम देते हैं? इको नाम देते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम एनी मटेरियल, तो वो क्या कहलाता है? हमेशा इको। वो हमेशा क्या कहलाएगा? इको कहलाएगा। तो यदि अब हम इसे समझते हैं, तो सपोज करो एक पर्सन, ये कौन के बने? एक पर्सन, ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस करता है, ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस करता है जिसका फ्रिक्वेंसी कितना है? एफ। जिसका फ्रिक्वेंसी कितना है? एफ है। और यहाँ पर कोई भी एक बॉल है, यहाँ पर क्या है? एक बॉल है। बॉल पर्सन से कितना डिस्टेंस पर है? डी। बॉल पर्सन से कितना डिस्टेंस पर है? डी डिस्टेंस पर है। तो आदमी यदि कोई भी एफ फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो साउंड का वेलोसिटी कितना रहेगा? क्या वी रहेगा? वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो साउंड का वेलोसिटी कितना गिवन है? वी गिवन है। तो साउंड उसे कितने टाइम बाद वापस सुनाई देता है? इफ पर्सन हियर्स द साउंड, हियर्स द साउंड आफ्टर टी टाइम, कितने टाइम बाद सुनाई देता है? आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम। तो आदमी को साउंड कितने टाइम बाद सुनाई दे रहा है? क्या टी टाइम बाद? देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड वॉल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उस पर्सन के बीच में और वॉल के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड वॉल, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो देखो हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर कोई आदमी है और यहां पर क्या है? कोई वॉल है, ठीक है। अब जैसे ही आदमी साउंड प्रोड्यूस करेगा, जैसे ही आदमी क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो साउंड का वेलोसिटी कितना है? क्या वी एस? साउंड का वेलोसिटी कितना है? वी एस। तो क्या पहले साउंड जाएगी कहाँ तक? वॉल तक, और फिर वापस वॉल से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। वापस वॉल से क्या होगी? देन साउंड मूव्स फ्रॉम मैन टू वॉल, कहाँ से कहाँ तक जाएगी? मैन टू वॉल एंड देन रिफ्लेक्ट, और बाद उसके बाद क्या होगी? रिफ्लेक्ट एंड आफ्टर दैट इट रीच टू मैन। तो ये कहां पर पहुंचेगी? आदमी के पास पहुंचेगी। देन डिस्टेंस ट्रेवल, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? देन डिस्टेंस ट्रेवल बाई साउंड। हमको ये डिस्टेंस हम क्या सपोज कर लेते हैं? डी। ये डिस्टेंस हम कितना सपोज कर लेते हैं? डी। तो टोटल साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? टोटल साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? क्या टू डी? टोटल साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? टू डी। तो टू डी इज इक्वल टू क्या होगा? क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी, और कितने टाइम बाद सुनाई दिया? टी टाइम बाद। कितने टाइम बाद सुनाई दिया? टी टाइम बाद सुनाई दिया। तो टू डी इज इक्वल टू क्या आ गया? क्या बी एस इंटू टी? 2D इज इक्वल टू क्या आ गया? बी एस इंटू टी। तो D इज इक्वल टू क्या आ गया? क्या वी एस इंटू टी बाई टू?
डी इज इक्वल टू क्या हो गया, वी एस इंटू टी बाई टू। तो क्या यही है डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड वॉल? डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड वॉल। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसी पर यदि हम क्वेश्चन करते हैं, इसी पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इफ इफ ए पर्सन क्लैप्स एंड हियर्स द साउंड आफ्टर 5 सेकेंड, हियर द साउंड आफ्टर 5 सेकेंड। और नेक्स्ट इसमें लिख लेना वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ साउंड, हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। एंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड पर्सन, डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड पर्सन इज 800 मीटर। पर्सन और वॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 800 मीटर है। तो चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें डी का वैल्यू कितना दिवाना है? क्या 800 मीटर? डी का वैल्यू कितना है? 800 मीटर। तो हम इसे किससे सॉल्व करेंगे? डायग्राम से। हम इसे किससे सॉल्व करेंगे? डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो पर्सन और वॉल के बीच का डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? क्या 800 मीटर? पर्सन और वॉल के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है? 800 मीटर। तो साउंड क्या पर्सन से पहले कहाँ तक जाएगा? वॉल तक जाएगा। साउंड पहले पर्सन से कहाँ तक जाएगा? वॉल तक जाएगा। और फिर क्या वॉल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट। वॉल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा और वापस कहाँ सुनाई देगा? पर्सन को। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई साउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई साउंड कितना हो गया? क्या 2D? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? क्या पहले कितना ट्रेवल किया? डी। और वापस रिफ्लेक्शन के बाद कितना ट्रेवल किया? डी। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया साउंड ने? 2D। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2D। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? क्या वेलोसिटी इन टू टाइम। और कितने टाइम बाद सुनाई दे रहा है? 5 सेकेंड। कितने टाइम बाद सुनाई दे रहा है? 5 सेकेंड। तो टी का वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 5। टी का वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 5। तो वी इंटू 5, तो 2 इंटू डी का वैल्यू कितना? 800। डी का वैल्यू कितना? 800। तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया? क्या 2 × 800/5, 2 × 800/5 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1600/5। तो क्या 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा? 5 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 × 3 = 15, रिमेनिंग कितना रहा? 1। 5 × 2 = क्या होता है? 10। तो ये कितना आ गया? 320। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना आ गया? 320 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना आ गया? 320 मीटर पर सेकेंड। क्या हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखोगे? रिबरेशन, REVERATION। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखोगे? रिबरेशन। रिबरेशन क्या होता है? इको के बारे में हमने क्या पढ़ा? इको क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और रिबरेशन क्या होता है? मल्टीपल। रिबरेशन ऑफ साउंड क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यही क्या कहलाता है? रिबरेशन। यही क्या कहलाता है? रिबरेशन कहलाता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या कहलाता है? रिबरेशन कहलाता है। तो यदि तुम लोगों ने देखा हो, यदि तुम लोगों ने देखा हो, तो यदि हम किसका बात करते हैं? सिनेमा हॉल का। किसका बात करें? सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल का कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप में रहता है। सिनेमा हॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में रहता है और उसमें लगातार जो चेयर का फॉर्मेशन है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट रहता है।
से चेयर का फॉर्मेशन कैसे रहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट की फॉर्म में रहता है, क्योंकि जहां पर भी जहां से साउंड क्रिएट होगा, जिस भी सोर्स से क्या होगा साउंड क्रिएट होगा, उस साउंड का क्या होगा लगातार रिफ्लेक्शन होगा, उस साउंड का लगातार क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है, और उस साउंड का रिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप में होता है। तो इसलिए सिनेमा हॉल इस टाइप में बनाए जाते हैं कि उनमें क्या ना हो, रिवरेशन ऑफ साउंड नहीं हो, उनमें क्या ना हो, रिवरेशन ऑफ साउंड नहीं हो। तो हमेशा याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ जो सिनेमा हॉल रहता है वो किसको रोकने के लिए किया जाता है, रिवरेशन ऑफ साउंड को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इफ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इफ ए शेप, इफ ए शेप सेंड्स ए सिग्नल, इफ ए शेप सेंड ए सिग्नल टू, इफ ए सेंड शेप ए सिग्नल इन टू वॉटर एंड रिसीव इट आफ्टर 2 सेकेंड। और कितने सेकंड के बाद रिसीव कर रहा है इसको, 2 सेकंड के बाद लिखना। और इसमें नेक्स्ट क्या लिखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड ऑब्जेक्ट इज, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड ऑब्जेक्ट इज 1000 मीटर, शिप और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या है, एक शिप है गिवन है हमें। तो शिप क्या करता है, बेसिकली सोनार, हम लोगों ने पढ़ा था सोनार में, इसमें एक क्या लगा होता है ट्रांसमीटर लगा होता है, और एक क्या लगा हुआ रहता है रिसीवर, एक क्या लगा हुआ रहता है रिसीवर लगा हुआ होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, वाटर के अंदर सिग्नल सेंड करता है, और रिसीवर उनको वापस क्या करता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन उनको कैच करता है। तो यहाँ पर कहीं भी एक कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है 1000 मीटर पर, कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है 1000 मीटर पर। तो क्या होगा, ट्रांसमीटर से सिग्नल जाएंगे और इस सरफेस से क्या होंगे रिफ्लेक्ट होंगे, इस सरफेस से सिग्नल क्या होंगे रिफ्लेक्ट होंगे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद रिसीवर उनको क्या कर लेगा कैच कर लेगा, रिसीवर उनको क्या कर लेगा कैच कर लेगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाई साउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई साउंड कितना हो गया, क्या 2 × 1000, कितना हो गया 2 × 1000। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2000 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, और टाइम नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, टाइम कितना टाइम लगा उस सिग्नल को वापस आने में, क्या 2 सेकेंड, कितना टाइम लगा 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, क्या 2000, टाइम कितना लगा, क्या 2 सेकेंड, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। तो 2000 / 2 कितना आ गया 1000, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना आ गया 1000 मीटर पर सेकेंड, किसके अंदर वाटर के अंदर। तो इसके बाद आप लोगों को एक काम करना है कि आप लोगों की नोटबुक में एक गिवन है अबाउट द ईयर, किसके बारे में गिवन है, गिवन है ईयर के बारे में गिवन है। तो ईयर के बारे में आप लोगों को पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं, उसके क्या करना है आपको नोट्स बनाने हैं, और कल हम उसके बारे में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,